हेलो एवरीवन, तो आज आम डिस्कशन करिबा ओटीईटी पेपर वन जो पेडागोजी पार्ट रे तुम्हारा रही बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड प्रमोशन ऑफ लर्निंग थ्रू मोटिवेशन क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचर बिहेवियर। तो बेसिक कंडीशन कौन रही लर्निंग रो आम से सब विषय में डिस्कशन करिबा, ता सहित लर्निंग को आम केमती प्रमोट कर पारिबा थ्रू मोटिवेशन थ्रू क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट आउ थ्रू टीचर्स बिहेवियर। तो यह द्वारा केमती लर्निंग को प्रमोट कर पारिबा से विषय में डिस्कशन करिबा। तो लर्निंग कौन मु बारंबार तुमको कही सारी तुम्हें जाणी थो। तो लर्निंगटा हूँ गोटे परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इन ह्यूमन बीइंग व्हिच कम्स ड्यू टू हिज और हर ओन एक्सपीरियंस और एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो जेकोसी गोटे व्यवहारगत परिवर्तन जदि पिला भितर आसुची आ सही व्यवहारगत परिवर्तनटा स्थायी रहुची ता पाखरे सबुदिन पई रहुची आउ से जो परिवर्तनटा ता पाखरे आसिला व्यवहारगत परिवर्तन सेटा तार लाइफ रो एक्सपीरियंस जगु हो किबा कोनोसी प्रकार ट्रेनिंग जगु जदि आसुची तबे ताकु आमे लर्निंग बोली कहिबा। कोनोसी प्रकार सामयिक टेम्पोरारी चेंजेस इन बिहेवियर को आमे लर्निंग कहिबा नाही। एटा मन रखिबो, टेम्पोरारी को आमे लर्निंग कहिबा नाही। तो रॉबर्ट गाग्ने describes condition of learning as a means through which individuals and groups acquire relevant skills to be accepted in society। तो तांकर रॉबर्ट गाग्ने कौन कही चंती ना किसी कंडीशन को सी शेयर करी चंती यही कंडीशन गुड़ा जदि रहुची तबे पिला किसी लर्न करी परिबो इंडिविजुअली हो किंबा ग्रुप रे हो किसी जिनस को सी लर्न करी परिबो तार लर्निंगटा हो पार तार स्किल डेवलपमेंट हो पार जोटा कि तार सराउंडिंग तार सोसाइटी एक्सेप्ट कर बुझेगा। तो से गुड़ाक आम देखा। तो प्रथम तुम्हें जाणी रख लर्निंग इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनुष्य जहाँ भी बिहेवियर देखा तो सहीटा डायरेक्टली लर्निंग सहित तो जड़ित से जहाँ लर्न करुच्च तार एक्सपीरियंस रु से बिहेवियर देखा ह्विच व्वाज इनफ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट एंड द इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ लर्नर। तो जो लर्निंग रही कौन सी इंडिविजुअल सेटा तार एनवायरनमेंट द्वारा प्रभावित ता सहित इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेस केमती रहुची ता ऊपर सेटा डिपेंड करुचाए बुझेगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गाग्ने कौन कौन कंडीशन रही आम देखा से दुई प्रकार कंडीशन कथा कही गोटे हूँ इंटरनल कंडीशन आ गोटे हूँ एक्सटर्नल कंडीशन। तो इंटरनल कंडीशन टा कौन दैट ऑलरेडी एक्जिस्ट इन द लर्नर्स बिफोर लर्निंग प्रोसेस इज अकर। जितेबाला लर्निंग हो न था लर्निंग हवा पूर्व जो सबू जिनस पिला पाखे ऑलरेडी एक्जिस्ट अच्छी पिला पाखे ऑलरेडी रही तो सीटा हूँ इंटरनल लर्निंग। एक्सटर्नल लर्निंग कौन डिफरेंट स्टिमुली दैट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। विभिन्न प्रकार स्टिमुलस जोटा कि एनवायरनमेंट रे रहुचि आ लर्निंग पई हेल्प करुचि कंडीशन जोगुचि सेटा होची एक्सटर्नल स्टिमुलस। जोटा पिला भितरे रहिचि तो सेटा होची इंटरनल, जोटा एनवायरनमेंट रे रहिचि सेटा होची एक्सटर्नल। तो आमे देखिबा इंटरनल कोगुडा को रहिबो पिलार पॉजिटिव एटीट्यूड रहा दरकार लर्निंग पॉजिटिव एटीट्यूड रहा दरकार तार इंटरेस्ट रहा दरकार सीए पाठपढ़ार भैल्यू बुझुवा दरकार केमती कौन भैल्यू रही सोसाइटी रे केमती कौन इंपोर्टेंस रही सब जिन सी बुझिपार्वा दरकार निजे मोटिवेटेड रहा दरकार मैंने इंटरनाली से मोटिवेटेड फिल करुवा दरकार ना लर्निंग हो पार ना तार देह सुस्थ रही दरकार मेन्टाली फिजिकाली सब दिग्वर से सुस्थ रही दरकार। तो युवा हूँ इंटरनाल कंडीशन ये सब जिन ठीक रोचे तेज तार लर्निंगटा हो पार जी देह खराब जनकर तो तार लर्निंगटा केमती हम हो पारना जदि मन दुख जहाँ रही मेंटली डिस्टर्ब जे रही तार लर्निंग हो पारना तो इंटरनाली से बालान्स ना बुझेगा। जदि जड़े मोटिवेटेड ही ना तार पढ़ापी आदू भी इच्छा हेनी तो मोटिवेशन निहाती भाव जरूरी फिजिकल मेंटली सब प्रकार पिला सुस्थ रही जरूरी तार इंटरेस्ट थी जरूरी मानने एग्जाम कि कौन सी जिनस शिखापी नुआ नुआ जिनस तैयारी करने ये सब जिनस तार निजस्व इच्छा रही जरूरी विल पावर थी जरूरी रेडिनेस गोटे आसीजो निजे सीए रेडी दरकार कौन गोटे जिनस शिखापी। तो युवाक सब आसीज इंटरनल कंडीशन भितर। तो एक्सटर्नल कंडीशन कौन जोटा कि आम एनवायरनमेंट रही आम कौच तो सी स्टिमुली गुड़ाक कौन ना आम जो जगार रहीकि पढ़ुचु से परेश कमी होदि गोटे परेश सब पटितुंड करेंगे झगड़ा लगुए कली करेंगे तो सीट पिला भल भाव में पढ़ी पार ना। तो भल एनवायरनमेंट रही जरूरी सुइटेबल एनवायरनमेंट पिला रही दरकार ता सहित भल फैमिली मेम्बर तार होता दरकार ता सहित आहरी कौन टीचर बिहेवियर ता प्रति भल रहा दरकार सिंपाथी एम्पाथी ताको मिलुवा दरकार ताको एक्सेप्टेंस मिलुवा दरकार सोसाइटी रे। तो ये सब रहिबो एक्सटर्नल स्टिमुल बुझेगा आहरी अनेक गुड़िया रही तुम एड कर। तो यही सब रहिला कंडीशंस
ये कंडीशन जदि ठीक रोच सुइटेबल कंडीशन जदि रोच तेरे पिलार लर्णिंग भल भाव हो पार से इंटरनाल कंडीशन हो कि एक्सटर्नाल कंडीशन हो बुझेगा। तापर आम देखा मोटिवेशन टा केमती कौन प्रमोट करुच्ची पिलार लर्णिंग को। तो मोटिवेशन कौन समस्ते जाच ना पिला निजस्व जदि पिलार इच्छा थी पिला जदि निजर गोटे जिल थी पिला जदि मन भितर भावु थो कि मुझे जिनस करी मोर निडी अच्छी मुझे जिनस कले मत रेस्पेक्ट मिल माँ को साइपरि बापा रेस्पेक्ट को बढ़े पारि। तो यही सब जिन गुड़ा जब पिला भाव निजे जदि मोटेटेड फिल कर निजर जदि मानने से मात्रा मानने ज्वाला अच्छी से मात्रा सी मानने से जिन हासिल करने चाहूँ तेज से निहाती भाव में करा हूँ मोटिवेशन। मोटिवेशन कहार अर्थ कौन मोर गोटे मन भितर इच्छा हे मुझ ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फिल करी से बाहर कौन मोर आइडियल पर्सन को देखिकी हो पाए कि टंका पैसा हो पाए वेल एस्टाब्लीश मुझे फ्यूचर से पाए कि मोर कौन दिगरे इंटरेस्ट अच्छे से पाए। तो जेकोसी प्रकार होना कहीं जब मोटिवेटेड फिल करुँ मो भर जब मोटिवेशन भरिकी रही तेज मुझे ऑटोमेटिकली भल भाव कौन जिनस को करी भल भाव में पढ़ी पारि। मोटिवेटिंग द लर्नर टू लर्न इज पर्टिनेंट टू करिकुलम इम्प्लीमेंट। तो मोटिवेशन टा निहाती भाव में जरूरी जो आम करिकुलम करुचु इम्प्लीमेंट करुचु से मोटिवेशन टा गोटे की पॉइंट मोटिवेट पिला करवा निहाती भाव में जरूरी। जदि पिला मोटिवेट नथिबे तबे से माने भल भाव फोकस करके काम करिवे नाही भल भाव से शिखिबे नाही। तो देखिबो गोटे गरीब घर पिला जहाँ माँ अन्य घरे काम करुथिबे तो सीए लंठन आलुए बसिक पाठ पढ़ु आ परीक्षा से टॉप करू किंतु गोटे धनी घर पिला जे कि पूरा गदी रे सेजरे सोइकिना पढ़ु बसिक पढ़ु थो सब जिन जोगे दि जा पाँचटा ट्यूशन ताक दि जा फिर भी सी रखी पार नथ 30% 40% रखु। तो ये कौन पर ना से पिला जे गरीब घर पिला से माँ को देखुची बारंबार माँ काम करुँच भल लगुनि से टंका पैसा इनकम करने चाहूँ गोटे ना कमेबापी चाहूँगी अन्य मानक अन्य मानकर आगे कि निजे किसी कर इच्छा तार अच्छी। तो भितर सी निजे कौटिना कौटि मोटिवेटेड अच्छी किंतु जो पिला बहुत धनी घर पिला सब जिन जगे दि जाऊँच से मोटिवेटेड ही ना तार इंटरेस्ट ही ना पाठ पढ़ापी सी कौन कौन से पढ़ो तार किसी निड ही ना से मोटिवेटेड फिल करना आउ तार लर्निंग ठीक भाव में हो पार ना। तो मोटिवेशन टा निहाती भाव में जरूरी देखिबो एमती भी तुम्हें जितेबाला मैंने मेंटली हेरेस हो जाऊ तुम सांग गोटे मैंने प्रीवियस थर सीएचटी पाइला तुम्हें पाइल ना तो से तुम्हें हेरेस हो जाते तुम कौन करुच गोटे मोटिवेशन वीडियो देखुच तापर देखिबो सांगे सांग तुम्हें बहुत तुम भितर एनर्जी आसी जाऊँगी जो मुँह भी निहाती करी मुझे सांगे सांगे स्ट्राटेजी बनईदेवि सांगे सांग कर सब जिन कहीं आसूँ कहीं से मोटिवेशन टा निहाती भाव में मझे मझे जरूरी समस्त क्षेत्र में किसी ना कि विक पॉइंट रोचे किंतु जदि पिला को आम मझे मझे मोटिवेट करवा तेब तार लर्णिंग कंटिन्यू प्रोसेस बुझेगा। द सक्सेस अफ लर्णिंग डिपेंड्स अन व्वेदर और नट द लर्नर आर मोटिवेटेड। मुझे कहली भल भाव पिला लर्न करें जदि मोटिवेटेड थे तो लर्णिंगटा सक्सेसफुल हो पार जदि पाने मोटिवेटेड अच्छा मैंने मोटिवेशन जदि मझे मझे करा जाऊँ। तो इट ड्राइव्स लर्नर्स टू रिच लर्णिंग गोल्स। तो मोटिवेशन टा पिला लर्णिंग गोल मैंने लक्ष्य हासिल करने दिगरे नहीं जाए। टाइप्स अफ मोटिवेशन केत प्रकार मोटिवेशन रही गोटे रही इंट्रिंसिक मोटिवेशन आउ गए रही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक आउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एगुड़ा कौन मुझे तुमको कहीदेगी इंपोर्टेंट जिनस गुट मन रखी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना पिला भितर निजे मोटिवेटेड फिल करेंगे ताको कौन सी वीडियो दरकार नहीं कौन सी टीचर ताको मोटिवेटेड करा दरकार नहीं सी ऑटोमेटिकली निजे भितर मोटिवेटेड रोचे जमीक मुझे गरीब पिलाटे कथ कहली तो सी माँ को देखुची से सब सिचुएसन जानूची तो सी भितर कौटना कौटी मोटिवेटेड अच्छी। एक्सटेंसिक कौन ना बाहर टीचर कहे पेरेन्ट्स कहे तुमको वीडियो देखा पड़ो तो ये सब जिन गुड़ा हूँ एक्सटेंसिक मोटिवेशन। तो पढ़ी ना कौन लिखाई देख हियर स्टिमुलस इज इंटरनल टू द पर्सन। हियर स्टिमुलस इज इंटरनल टू द पर्सन माने इंटरनाली से मोटिवेटेड अच्छी। इट कैन बी बायोलॉजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल और सोशल। तो बायोलॉजिकली हो इमोशनली हो स्पिरिचुअली हो किंबा सोशली हो सी भितर मोटिवेटेड अच्छी। इन दिस केस देयर आर नो एक्सटर्नल रिवार्ड। एथिरे बाहर कौन सी रिवार्ड दिया जाऊ नाही जी तू यही रिजल्टा जदि भल करू तोते मुझे गोटे सुना चेन देवी तोते मुझे गोटे बैक आणिकी। तो एमती जो पिला कह जाए रिवार्ड देवाई जो जो मोटिवेटेड करा जाए रिवार्ड पाइबापी तो ए कौन प्रकार रिवार्ड कथा उठे ना पिला तार मन भितर ही तार सी निजी निजे मोटिवेटेड करके रखि थाए। The activity is undertaken for self pleasure.
तो ये जिनस मन रखे निवरे पा या कौन कर पा गोटे कम को करुच्चार निजर प्लेजर पर जितेबले कौन सी बाहर स्टिमुलस दरकार पड़ूना कहीं किसी कह दरकार पड़ूना रिवार्ड देवा दरकार पड़ूना सीए तार प्लेजर पर करुच्ची तार खुशी लगुच पढ़वे आगे इच्छा अच्छी अगर किसी करने निजस्व इच्छा अच्छे खुशी लगुच तो सेटा होची इंटेंसिव मोटिवेशन एठी ए काम करिया पे निजरो माने खुशी रे पिला एथरे करंती बुझिला सेल्फ प्लेजर तांको मिली थाए एंड इंडिविजुअल सैटिस्फैक्शन और सैटिस्फैक्शन मध्ये एथरे मिली थाए। तो गोटे एग्जांपल देबी जेमती कि बहुत बड़ बड़ अछंती साइंटिस्ट जेमती कि हमर एपीजे अब्दुल कलाम कथा कहूची से तो राष्ट्रपति थिले से तो एते बड़ साइंटिस्ट तथापि से सबुबले अन्य को किसी उपदेश दिखती अगर को पढ़ाती से टीचिंग लाइन को आसपाइर बहुत इच्छा थाए तो कौटी ना कौटी से जाकि मझे मझे जो टाइम पाती पढ़े आसती क्लास रे। तो से कौन पर करती से तो एत सब किसी जिन एचिव कर सारी तो से पढ़े जो टाँचा मिल राष्ट्रपति दरमा अनुसार से दरमा भी सीटू आणती नहीं तो से कहीं पढ़ाती से इंटेन्सिकाली मोटेटेड ताकूटा खुशी मिलूँ साटिस्फैक्शन मिलूँ तो से पढ़ाऊँ बुझेगा। तो ये जिनस को तुम मन रख इंटेंसिक मोटिवेशन में कौन होता है ना पिला सेल्फ प्लेजर पर पढ़ी थाए आउ इंडिविजुअल सैटिस्फैक्शन ताको ये कामटा कले सैटिस्फैक्शन ही मिलता है कौन सी बाहर रिवार्ड दरकार पड़े ना। इट मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड ए डिजायर टू मीट चैलेंजेस। तो पिला भितर ये जिनसा थाए कि केमी से चैलेंज को फेस कर चैलेंज को सी पारे कि निजे विन कर पार केमी से मैंने तार क्यूरीयसीटी को फुलफिल कर मैंने सब जिन अधिका जाना अधिका कि जिनस आम याद अगर को मानने अंठू आगे कि निजे केमी विन करी केमी मु भल भाव पढ़ी पारि निजे निजक केमी जापरि ये सब जिन गुड़ा भितर अटोमेटिकाली आसो अटोमेटिकाली से चाहिए से जिन बुझेगा इंटेन्सिक मोटिवेशन। तो नेक्स्ट देखा इंटेन्सिक मोटिवेशन इज ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट व्हिच ए पर्सन फिल्स इन ए क्लास। तो सेम जिनस ही बारंबार कहा इट इज एन इनर फोर्स यहाँ गोटे इनर फोर्स भाया काम करे तार सेल्फ सैटिस्फैक्शन सी काम कर निजे सेल्फ प्लेजर्स मिले ए क्यूरीयसीटी तार रही नुआ नुआ जिन जानापे कौन सी रिवार्ड बाहर दरकार पड़ना तो यह सब जिन गोटे इनर फोर्स भाव में काम कै जहाँफल कि सी एक्टिविटी एनगेज रुहे आई कम कर देखाए तो ऑटोमेटिकली तार लर्निंगटा भल हम जदि जड़े पिला इंटेन्सिकाली मोटिवेटेड रोचे तेज लर्निंगटा तार भल निहाती भाव हम। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ए पिला भितर मोटिवेटेड न था बाहर स्टिमुलस दरकार पड़ी था जमीक टीचर तक किसी मोटिवेटेड कले कि पढ़ले एम रेजल्ट या तु सोसाइटी गोटे ना कमु एमती पैसा पत्र कले फ्यूचर तू भल रुक कौन सी गोटे सक्सेसफुल पर्सनर स्टोरी कहे टीचर तक कौन प्रकार मोटिवेटेड करेंगे जहाँफल कि पिला मोटिवेटेड हेले सेमती पेरेन्ट्स किसी कहे तो पिला मोटिवेटेड हेले। तो यहीटा दरकार होता है बाहर एक्सटर्नाल रिवार्ड दरकार होता है एप्रुवाल सोशियाल एप्रुवाल एप्रिसीएसन ये पिला दरकार एक्सटेन्सिक मोटिवेशन किंतु इंटेन्सिक्रे दरकार कर तो डिफरेंसेसटा कौन तुम भल भाव जापार जदि एक्सटर्नाली जड़े मोटिवेटेड रोचा के लंग टर्म हो न कहीं ना जितेबाला टीचर आमको कहले आम तीन चार दिन मोटिवेटेड फिल कलु टीचर कह बंद करदे आम मोटिवेटेड हेलु ना कि इंटेन्सिकाली कौन होता है जेहेतु मोर निजस्व से मो निजर निज भर गोटे इनर फोर्स मोर काम करुच्ची तेज से लंग टर्म ही चली थाए कमार कौन चानसेस न था मोटेसनटा कमार कौन चानसेस न था कि एक्सटेन्सिक्रे कमी जाए आउ लंग टर्म यहाँ कम कैर ना। तो यहाँ हूँ मोटिवेशन गोटे मोटिवेशन हूँ गोटे इम्पोर्टेंट की पॉइंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे लर्निंग रे जत्ते पिला मोटिवेटेड रहिबे सेते लर्निंगटा भल भाव हो पार। तापर आम देखा प्रमोटिंग लर्निंग इन क्लासरूम एनवायरमेंट तो क्लासरूम एनवायरमेंटा केमी रही है लर्निंगटा को प्रमोट कर तो समस्ते जानी थी क्लासरूम एनवायरमेंट हेल्दी होता दरकार भल भाव मानने सुइटेबल होता दरकार पढ़ापी पा गोल न छात थोड़ा जिन गुड़ा तो प्राइमरी जिनस रहा निहत भाव जरूरी ब्लाकबोर्ड थी डस्टर थी बुझेगा लाइट भल भाव में पड़ी पार्थ भेन्टिलेसन ठीक भाव में हो पार सब जिन गुड़ा निहती जरूरी ए गुड लर्निंग एनवायरमेंट अफर्स ए सेफ प्लाटफर्म पाने सेफ फिल करेंगे बिफोर यू कैन एक्सपेक्ट लर्नर्स टू सक्सीड एकाडेमिकली दे सुड अल्सो फिल सेफ बोथ मेंटली एंड फिजिकली मेंटली और फिजिकली से क्लासरूम सेफ फिल कर दरकार से भाई एनवायरमेंट थी जरूरी। तो ट्रेडिशनल वे आगुरी जमी एनवायरमेंट थी क्लासरूम एनवायरमेंट सेमती एवं पिला चाहूना पिला इंटरेस्ट अनुसार से सब जिन बदलवे लगी। तो
विभिन्न प्रकार स्ट्राटेजी टीचर से चेंज करेंगे, टीचर विभिन्न प्रकार मान रिसोर्सेस से जगेदेवे, क्लासरूम रिसोर्सेस अवेलेबल रोकवा निहाती भाव जरूरी। तो पिलामाने केमती एंगेज रहिबे, पिलामाने केमती एक्टिव रोल प्ले करिबे, से सु बाबदरे सेमिति एनवायरनमेंट तयारी करिबा जरूरी, टीचरन को सेटा काम रहिबो। ए सब जिनस रहिछि क्लासरूम एनवायरनमेंट कथा। तापर देखिबा कोन कोन आमे करि परिबा, टीचर कोन करि परिबे क्लासरूम एनवायरनमेंट को केमती कले पिलांकर लर्निंग ता हे परिबो ना। एस्टेब्लिश ए सपोर्टिव लर्निंग कल्चर, टीचर गोटे सपोर्टर भाव में काम करिबे। एड्रेस लर्नर्स नीड, पिलामानकर आवश्यकता नीड को टीचर बुझिबे और सेई अनुसार रिसोर्सेस जोगेबे, तांकर स्ट्रेटेजी को बदलेबे। कीप इट पॉजिटिव, पिलामाने जहाँ क्वेश्चन पचारछन्ते जहाँ कहउछन्ते ताको पॉजिटिवली से नेबे। प्रोवाइड फीडबैक, सांगे सांगे प्रोवाइड फीडबैक तांको प्रोवाइड करिबे। सेलिब्रेट सक्सेस, जेकोनसी पिला जदि किछि आंसर दउछि तो ताको समस्तक सामनारे सेलिब्रेट करिया माने क्लाप करिया पय कहिबे, किंबा आउ किछि कहिबे, तांको मोटिवेट करेबे, ताको किछि रिवार्ड देबे, कथारे हो किंबा अन्य कोनोसी जिनसो, तो सेलिब्रेट करिबे। सेटा सेफ्टी फील करेबे, तो एम्प्लॉय इंटरैक्टिव गेम्स एंड एक्टिविटीज, तो इंटरैक्टिव गेम्स से करिबे, पिला पिला भितर से माने गेम माध्यम रे किछि सिखिबे बा ग्रुप रे करिकि तांको किछि सिखिबे बा निजे मध्ये सेथिरे इन्वॉल्व रहि परिबे। आ मझरे मझरे से लेसन केते कोन पिला पाठ पढुचोंती केते कोन जानुचोंती ताको से ट्रैक करिबे। तो बुझिहला, तो लर्निंग कॉर्नर गोटे रहिबो, सेठी पिला माने सबु जिनस रे सुविधा पाइबे, अर्थात जरूरी बुझेला बसिबा पई माने तांकर सुविधा थिबो, छात भलो आबरे थिबो, रिसोर्सेस भलो आबरे थिबो, टीचर फ्लेक्सिबल हेइथिबे, गोटे माने काम एंड पीसफुल जगा रे स्कूल गुडा कथिबो। ए सब जिनस निहाती आबरे जरूरी। क्लासरूम एनवायरनमेंट जदि भलो रहिबो तबे पिला माने भलो आबरे पढ़ी पारिबे। सेल्फ मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस, पिला माने निजो को निजे असेसमेंट करि पारुथबा दरकार। टीचर मध्ये निजर स्ट्राटेजी को मझे मझे देखुवा दरकार। नो एक्जाक्टली ह्वाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, रिड्यूसिंग एंजाइटी, टीचर टिके टिके कथारे एंजाइटी फील न करिकी कौन पिला एक्सपेक्ट करा जाउची, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रही आखि आगे रखिकी तो क्राइटेरिया से बनेबे। टीचर डोंट हैव टू स्टिक टू देयर प्लान, जहाँ से प्लान बनई सेटा को स्टिक करिकी जे ऑब्जेक्टिव हासिल करिवे सेमती पूरा लागी पड़े हम ना। पिलांकर नीड, पिलांकर इच्छा अनुसार मझे मझे स्ट्राटेजी को बदलवा जरूरी। तो ये सब जिनस रहा। तापर टीचर्स बिहेवियर भितर एगुड़ाक अनेक गुड़ा जिनस आसीज, तो सपोर्टिव बिहेवियर टीचर रोकवा जरूरी। टीचर नमनीय होते फ्लेक्सिबल होते, पिलाने सहित इंटराक्ट कर पार्थे, क्वेश्चन पचारि पार्थे, मिसी पार्थे। तो वैल्यू ऑल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन, पिलाने जदि किसी आंसर दौंस कंट्रीब्यूशन को सी मैंने एनकरेज करेंगे, तांको रिवार्ड देबे, सांगे सांगे फीडबैक देबे, पिलाने को सी मैंने मोटिवेटेड करेंगे, तांको इन्फ्लुएंस करेंगे, निजे गोटे आइडियल पर्सन भाव में काम करेंगे, निजे टॉपिक उपरे मास्टरी हासिल करेंगे। तो ये सब जिनस गुड़ाक रही है। क्रिएट हेल्दी एंड बायसनेस फ्री, ये बायसनेस फ्री हम, बायसनेस फ्री एनवायरनमेंट, तो कौन सी पार्शियलिटी टीचर करेंगे ना। पिला गोटे फैसिलिटेटर भाव से काम करेंगे, विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज, विभिन्न प्रकार गेम से एक्सप्लोर करेंगे, से माध्यम से पिला पढ़ेबे। पिलामानकर नीड आउ डिफरेंसेस को से बुझिबे, पिलामानको सिंपाथी देबे, पिलामानको एक्सेप्ट करिबे, तांकर कथा को से सुनिबे, एम्पाथी देबे। तो ए सब जिनस रहइबो टीचरनकर रोल। जदि टीचर एमिती होउचोंदी तबे पिलामाने भलो भाबरे तांको कथा को सुनिबे, तांको आइडियल बोली मानिबे आउ भलो भाबरे लर्निंगटा तांकर हेइ परिबो। जदि टीचर सबले रागी होउचोंदी, पिलांको कथा सुनुनांदी, सबले बाडौचोंदी, पनिशमेंट दउचोंदी, तबे पिलामाने भलो भाबरे पढ़ी परिबे नाही। जदि लर्निंग क्लासरूम सिचुएशन जदि भलो न होउची तबे मध्ये किछि ना किछि इंपैक्ट पिलांको उपरे सेटा पड़िथाय। जदि रिसोर्सेस नथिबो, ब्लैकबोर्ड नथिबो, तबे लर्निंग भल भाव हो पार ना। आउट रहा मोटिवेशन, मोटिवेशन पिलाने जब मोटिवेटेड फिल न करूँ तो से इंट्रिंसिकली हो कि एक्सट्रिंसिकली हो तो लर्निंगटा ठीक भाव में हम ना। तो कंडीशन आम जानलु इंटरनाल कंडीशन और एक्सटर्नाल कंडीशन कौन रही, आ मोटिवेशन टीचर्स बिहेवियर एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट केमी लर्निंग को प्रमोट करुच्छे से सब विषय में डिस्कसन कलु। भावुँ तुम्हें बुझीप, जदि किसी डाउट रोचे तेज कमेंट सेक्शन में जनइब। थैंक यू।